हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं चैप्टर 10 मेजरमेंट का न्यू टॉपिक. ओके, कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट. ओके, मेजर का कन्वर्जन करना है आपको हायर यूनिट टू लोअर यूनिट में. ओके, ये टॉपिक आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 130 पर है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इस टॉपिक में क्या करना है. आपको हायर यूनिट वाला दिया होगा ऐसा नंबर, देखो किलोमीटर में दिया है, उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोअर यूनिट में. ओके, यहाँ पर क्या करना है, चेंज 3 किलोमीटर इंटू मीटर. ओके, आपको किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, 3 किलोमीटर है यहाँ पर. ओके, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, किस में फाइंड करना है, मीटर. ओके, इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना हो तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर किलोमीटर है. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किसमें करना है, मीटर. तो इज इक्वल टू हमें मीटर आना चाहिए. ओके, ये आपको टेबल में हमने सिखा था. तो इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1000 मीटर. तो आपको कितना फाइंड करना है, 3 किलोमीटर का. ओके, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. तो कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विथ 1000. ओके, इनके बाद आपको आंसर मिलेगा 3000 मीटर. ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल वन हो गया. अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं. देखो इसमें क्या करना है, चेंज 28 मीटर 20 सेंटीमीटर. यहाँ पर दो दिए, देखो मीटर भी दिया है सेंटीमीटर भी दिया है, इन टू सेंटीमीटर. आपको इनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. देखो यहाँ पर एक पार्ट, देखो ये 20 आपको सेंटीमीटर दिया है. ओके, 28 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इस 20 सेंटीमीटर को वैसे ही रखेंगे. ओके, इसको चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ मीटर वाला जो पार्ट है 28 मीटर उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. ओके, हमें यहां पर क्या करना होगा, इस मीटर वाले पार्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर. ओके, मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा. ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, हमें मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. तो हमें कितना मीटर है हमारे पास, 28 मीटर है. ओके, तो यहां पर आएगा 28 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे हम इसमें, 28 मल्टीप्लाई विथ 100. ओके, 28 मल्टीप्लाई विथ 100, तो आपका आंसर होगा 2800. तो ये हो गया 2800 सेंटीमीटर. ओके, ये तो आया सिर्फ आपका 28 मीटर का सेंटीमीटर मिला आपको. ओके, प्लस हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम इस सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे. ओके, 2800 प्लस 20. ओके, ये आपका, ये हमारा हो जाएगा टोटल सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 2820 सेंटीमीटर. ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. ओके, तो ये हो गए दोनों एग्जांपल. अब करते हैं हायर टू लोअर कन्वर्जन के दूसरे दो एग्जांपल. ओके, उसमें एग्जांपल थर्ड है, चेंज 10 kg 360 ग्राम इंटू ग्राम. क्या करना है, 10 kg और 360 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, तो कैसे करेंगे, ये जो आपका 360 ग्राम है, ओके, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी. ओके, हमें क्या करना होगा, 10 kg है उनको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, और इनका जो ग्राम में आएगा, ओके, उसमें हम एड कर देंगे इस 360 को. ओके, जो मिलेगा हमारा हो जाएगा टोटल ग्राम्स हो जाएगा. ओके, तो आइए चलिए करते हैं इनको, क्या करना है, इस 10 kg को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम में. ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, 10 kg का, देन 10 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. ओके, हमें फाइंड करना है 10 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 मल्टीप्लाई विथ 1000. ओके,
हमारा क्या आंसर आएगा, 10 मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। ये जो मिला ये हो गया ग्राम, ये हो गया 10 kg का ग्राम हो गया। ओके प्लस हमें क्या करना होगा, ये सिर्फ 10 kg का हुआ, प्लस हमारे पास 360 ग्राम ऑलरेडी है, तो हम इस 360 को इसमें प्लस कर देंगे। ओके तो जो भी हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 10,000 ग्राम प्लस 360 ग्राम। ओके एक ग्राम है जी, ओके तो कितना होगा, 10,360 ग्राम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये था आपका एग्जाम्पल। ओके अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं, इसमें क्या दिया है, चेंज 12 लीटर 390 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। ओके क्या करना है, 12 लीटर और 390 मिलीलीटर को, ओके 390 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में। तो देखो यहां पर इनका जैसा ही, यहां पर देखो 390 ऑलरेडी हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट दिया है, देखो। ओके ये हमारे पास ऑलरेडी मिलीलीटर है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लीटर के पार्ट को, ओके जो लीटर है उससे ही कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 12 लीटर है उसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो क्या होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर यानी ml। ओके यहां पर हमारे पास कितना है, 12 लीटर है। ओके उसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 12 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर। तो क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई विथ 1000 होगा। आपने मल्टीप्लीकेशन में सीखा होगा मल्टीप्लाई विथ 10,000 और 100। ओके तो क्या होगा इनका आंसर, ओके 12 का मल्टीप्लीकेशन 1000 के साथ हो गए, तो क्या करेंगे इसमें, 12 के पीछे 30 आएंगे, 1000 में 30 है तो 12 के पीछे 30, वो 1, 2 और 3, हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। ओके ये हो गया आपका ग्राम, ओके 12 लीटर का हो गया, सॉरी ग्राम नहीं, ये हो गया आपका 12 लीटर का हो जाएगा मिलीलीटर। ओके ये हो जाएगा 12 लीटर का मिलीलीटर हो जाएगा। ओके देखो यार इसका मिलीलीटर हो गया, हमें टोटल मिलीलीटर फाइंड करना है, प्लस हमारे पास इतना है, देखो इनका मिलीलीटर हुआ 12,000 और ये आप इसको हमने को ऐड करना पड़ेगा इसमें। ओके 12,000 मिलीलीटर प्लस कितने थे हमारे पास, 390 मिलीलीटर। ओके तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 12,390 मिलीलीटर। ओके ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो आप क्या दिया है, 12 लीटर इंटू 390 मिलीलीटर। ओके इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो जो मिलीलीटर वाला पार्ट है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ओके उसे लास्ट में जो मिलेगा उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 12 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। तो देखो यहां पर हमने किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देन 12 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर। ओके तो देखो 12 मल्टीप्लाई विथ 1000 करना पड़ेगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 12,000 मिलीलीटर। ओके ये 12,000 मिलीलीटर हमें सिर्फ 12 लीटर का मिलीलीटर मिला। ओके प्लस हमारे पास कितना है एक्स्ट्रा, 390 ml। ओके तो उसको ऐड करेंगे इसमें 12,000 में, देन 12,000 प्लस 390 मिलीलीटर। ओके तो हमें आंसर मिलेगा 12,390 मिलीलीटर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल।